عزیزمان روی راست شاهد پرنده بدون سرنشین کاملا بومی و برد بلند کیان. مڈل ایسٹ میں ایران کی بڑھتی طاقت کی کاٹ کیسے نکالی جائے اس کو لے کر امریکہ اور اسرائیل کافی پریشان ہیں. क्योंकि एक तरफ जहां ईरान गाजा में हमास को पैसों और हथियारों की सप्लाई कर रहा है, वहीं उत्तरी फ्रंट पर लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्ला को सपोर्ट करके वो इसराइल पर दो तरफा दबाव बनाए हुए हैं. वहीं दूसरी तरफ लाल सागर में यमन का आतंकी संगठन हूती ईरान के इशारों पर लगातार पश्चिमी देशों के जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है, जिससे अमेरिका मिडिल ईस्ट में बुरी तरह से उलझा हुआ है. और इन हालातों के बीच ईरान का लगातार अपनी ताकत को बढ़ाना अमेरिका और इसराइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है. और अब इसी कड़ी में ईरान की सेना को कुछ ऐसे ड्रोन्स मिल गए हैं जिनसे वो मिडिल ईस्ट में और तबाही मचा सकता है. दरअसल ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स की जमीनी सेना को मॉडर्न कामिकेज ड्रोन्स और युद्धक यानी कॉम्बैट ड्रोन्स की डिलीवरी हुई है. बड़ी बात यह है कि इन दोनों ही ड्रोन्स को ईरानी सेना ने खुद बनाया है. आपको बता दें कि 20 फरवरी 2024 को ईरान की थल सेना को शहीद 131 और अबाबिल 5 युद्धक ड्रोन की सप्लाई हुई थी और ईरान ने इसको लेकर एक कार्यक्रम भी आयोजित किया था जिसमें ईरानी सेना के कई टॉप कमांडर्स ने हिस्सा लिया था. ईरान के ये उत्तम ड्रोन्स ईरान की थल सेना की ताकत को तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही ये ड्रोन्स एंटी ईरान आतंकी संगठनों के खतरों से निपटने में भी अहम भूमिका निभाएंगे. बड़ी बात यह है कि ईरान ने जनवरी 2021 को पहली बार शहीद 131 ड्रोन को सार्वजनिक किया था और इसके बाद अन्य कार्यक्रमों में इस ड्रोन की ताकत का प्रदर्शन किया था. इस दौरान ईरान ने शहीद 131 ड्रोन के कई परीक्षण भी किए थे जिसमें उसने इसराइल के परमाणु संयंत्र डिमोना पर हमले का एक नमूना भी पेश किया था. लेकिन इस ड्रोन की ताकत की बात की जाए तो ये अपने आप में काफी अहम है. ईरान के मुताबिक शहीद 131 ड्रोन की लंबाई और चौड़ाई 2.2 मीटर है. इसका वजन 135 किलोग्राम है और ये 900 किलोमीटर तक के दायरे में टारगेट पर हमला कर सकता है. वहीं अबाबिल 5 युद्धक ड्रोन को ईरान ने 18 अप्रैल 2022 को पहली बार राष्ट्रीय सैन्य दिवस पर पेश किया था. इस ड्रोन को ईरानी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल कंपनी HESA ने बनाया है. अबाबिल 5 ड्रोन का डिजाइन अबाबिल 3 और मुहाजिर 6 ड्रोन्स के मॉडल्स को मिलाकर बनाया गया है और अबाबिल 5 ड्रोन के पंख छोटे हैं जिसकी वजह से वो भारी विस्फोटक ले जा सकता है. आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने इस तरह के घातक ड्रोन्स की नुमाइश की हो, बल्कि इससे पहले उसके फतेह और कामिकेज ड्रोन्स की ताकत यूक्रेन में पूरी दुनिया ने देखी है. ईरान के सैन्य एक्सपर्ट्स और इंजीनियर हालिया वर्षों में कई प्रकार के घरेलू हथियार और उपकरण बनाने में आत्मनिर्भर हुए हैं. यहाँ तक कि ईरान पश्चिमी देशों के ड्रोन और मिसाइलों की रिवर्स इंजीनियरिंग करने में भी माहिर है.